थोड़ा तो फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की कम होगी ही। इनिशियल पंच की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा इनिशियल पंच है, ब्यूटी और द बीस्ट। थोड़ा सा इसको रेव किया जाए और देखा जाए क्या साउंड दे रहा है। तो भाई अगर इतनी ज़्यादा पावर मिल रही है तो ब्रेकिंग एबिलिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो क्या हालचाल है सबके, आई होप सभी लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और ये देखो आज क्या है अपने पास। तो भाई आज है अपने पास द ग्रेट मशीन फ्रॉम कावासाकी मोटर्स, द निंजा 300। हालांकि ये 2019 मॉडल है, सो दिस इज़ अ कावासाकी निंजा 300 BS4 वर्जन। और फ्रंट लुक से तो पहचान ही गए कि ये ऑलमोस्ट आई गेस कावासाकी फैन बॉयज या लवर्स का एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेटअप है, फ्रंट लुक कह सकते हो। तो आप जल्दी से बात करते हैं इसकी बेसिक स्पेक्स की। तो बात करें अगर इंजन की तो आपको अराउंड 296 CC का इंजन मिलेगा। पावर की बात की जाए तो 39 BHP की पावर मिलेगी, साथ ही साथ 27 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। इंजन आपको ना सिंगल सिलेंडर नहीं, इसमें पैरेलल टू सिलेंडर मिलेगा, पैरेलल टू सेटअप के साथ। सोच सकते हैं 39 BHP और 27 Nm। तो भाई अगर इतनी ज़्यादा पावर मिल रही है तो ब्रेकिंग एबिलिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो ब्रेक से अगर बात की जाए तो सिम की आपको ब्रेकिंग मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS मिल आ रहा था इस मॉडल में। तो बात करें अगर टायर्स की उसी सिलसिले में तो आगे आपको 110, 70, 17 सेक्शन का टायर्स मिलेगा। पीछे अगर बात की जाए तो 150, 60, 17 सेक्शन का टायर मिलेगा, आई गेस हाँ वही सेम टायर है। और अगर बात की जाए फ्यूल इकोनॉमी की तो फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी इस गाड़ी की कम है। हालांकि जैसे समझ ही रहे हो 300 CC की गाड़ी है, ऊपर से पैरेलल ट्विन इंजन, इतनी ज़्यादा BHP, अच्छा खासा टॉर्क, तो थोड़ा तो फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की कम होगी ही। वहीं अगर बात की जाए वेट और हैंडलिंग की तो वेट गाड़ी का करीब करीब 172 kg मिलेगा। और हैंडलिंग की बात करें तो देख सकते हो इतना प्यारा कॉकपिट व्यू और हैंडल मिल रहा है, साथ ही साथ स्लीपर क्लच भी मिल रहा है इसमें आपको। और बात की जाए अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, अच्छी खासी एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से देखें तो एक अच्छी खासी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए सस्पेंशन की तो पीछे आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और आगे बात की जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। हालांकि ये 2019 मॉडल है बट स्टिल ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की फेवरेट है, इवन मुझे भी पर्सनली गाड़ी बहुत पसंद है। वहीं अगर बात करें मीटर की तो एक डिजिटल एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। ऑन करते हैं, आहा क्या प्लेबैक आया सामने देखने को। तो देख सकते हो कितना प्यारा मीटर लग रहा है यार। तो हालांकि ये 19 मॉडल है तो गाड़ी करीब करीब 17,970 किलोमीटर चल चुकी है, स्टिल अभी भी ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा राइड करके देखते हैं इसको, राइड परफॉर्मेंस क्या है, क्या ही गाड़ी पावर जनरेट कर रही है स्टिल 5 साल बाद। हालांकि राइड करने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं गाड़ी में, थोड़े बहुत कुछ काम हो रखा है शायद अभी तक वीडियो में सभी ने देख ही लिया हो। तो फ्रंट के मिरर्स हट रखे हैं फॉर सो रीज़न, क्या पता हटाए गए हों। और ये द एपिक थिंग द एक्रापोविक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, हालांकि ये लॉन्ग हेड नहीं है, इट्स अ बिट शॉर्टर देन द लॉन्ग हेड वन, फिर भी फायर अप करते हैं, आवाज़ सुनते हैं, रेव करते हैं, देखते हैं क्या साउंड दे रहा है। भाई साहब सिंगल टच में गाड़ी स्टार्ट हुई, एक बार फिर से दिखाता हूँ, अभी भी देखो सिंगल टच में गाड़ी स्टार्ट हुई। तो चलो थोड़ा सा इसको रेव किया जाए और देखा जाए क्या साउंड दे रहा है। Thank you.
भाई साहब क्या प्यारी साउंड है सच में। अब यार अब चलते हैं इसको राइड पे लेके, अब चलते हैं देखते हैं क्या क्या ही परफॉर्मेंस मिलती है राइड पे। चलो चलते हैं इसको राइड पे लेके, थोड़ा सा देखते हैं, शहर में भी चलाते हैं और हाईवे पे भी चलाते हैं, लेट्स सी। आहा एक बार ऐसे ही आवाज़ सुन लो। ऐसे इतनी बढ़िया साउंड कर रहा है, पक्का फॉर श्योर पटाखे मारेगी, लेट्स सी देखते हैं। आहा क्या क्या इनिशियल पंच है भाई, मानना पड़ेगा बहुत प्यारा इनिशियल पंच है, पिकअप भी बहुत तगड़ा है, पावर टू वेट रेशियो अगर मैं बात करूं तो। आहा पटाखे सुनो भाई, पता नहीं ऊपर में आया कि नहीं, मैं शायद उतना बेंड नहीं कर पाया, लेकिन इनिशियल पंच की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा इनिशियल पंच है। अभी तो इतना खाली रोड नहीं है, यहाँ पे चलेंगे जल्दी ही, इसको रेव अप करेंगे और खींचेंगे, देखते हैं कितना टॉप एंड निकलता है गाड़ी का, क्या परफॉर्मेंस रहती है टॉप एंड पे। हालांकि अभी अगर मैं पावर टू वेट रेशियो की बात करूँ तो अच्छा खासा पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ बैड बट इन टर्म्स ऑफ बेटर, क्योंकि वेट गाड़ी का वेट होने के हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी पावर जनरेट कर रही है। वहीं अगर बात की जाए हैंडलिंग की तो वो भाई क्या हैंडलिंग है सच में, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में अगर, और जहाँ से भी खींच दो भाई, जहाँ से भी खींच दो वहीं से गाड़ी खींचना चालू कर देती है। ये बात तो सही है, खैर द ओल्ड इज गोल्ड, हालांकि थोड़ी सी लिटिल लिटिल एक मॉडल नीचे होने के बाद भी गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और भाग भी रही है। पटाखे पे पटाखे दे रही है गाड़ी, मजा आ रही चलाने में सच में। थोड़ा सा शहर के अंदर चलते हैं फिर देखते हैं शहर के अंदर क्या, हालांकि मुझे अभी तक एज सच कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुआ है और ना ही कोई हीटिंग का मुझे वो इशू लग रहा है बहुत ज़्यादा, हालांकि इतनी ज़्यादा सीसी की बाइक है, ठीक ठाक सीसी की तो है ही, तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू तो आएगा ही खैर, बट स्टिल थोड़ा अंदर मिलकर देखते हैं, तो खाली रोड है तो इसमें तो कुछ वो नहीं समझ में आएगा, अंदर चल के देखते हैं क्या ही कुछ रहता है। हाँ तो भाई ये था कुछ एक छोटा सा राइड रिव्यू कावासाकी निंजा 300 का, द बीस्ट द ग्रीन बीस्ट। कमेंट करके बताओ और लिटरली बताना ब्यूटी और द बीस्ट, तो कावासाकी फैन बॉयज कहाँ हो यार, कमेंट सेक्शन भर दो, बताओ कैसी है, कैसा लगा वीडियो। हालांकि अगर राइड की बात की जाए, हाँ मुद्दे की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है चलाने में और पावर जनरेशन भी गाड़ी की बहुत अच्छी है, हैंडलिंग एवन है, बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो आप, थोड़ा सा अगर आराम से चलाओ या कटिंग भी कर रहे हो इधर उधर भगा भी रहे हो तो ईजी टू हैंडल है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि कठिन नहीं है, या फिर अगर देखो हाइपर राइड करोगे बहुत ज़्यादा ऐसे चलाओगे तो भाई तो दिक्कत करेगा, ठीक है। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा है ये था एक छोटा सा राइड रिव्यू और कुछ किलोमीटर्स के बाद की कंडीशन निंजा 300 की, हालांकि मुझे लगता बहुत ज़्यादा कंडीशन चेंज हुई है, आई गेस इनहेंस ही हुई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, किसी को सजेस्ट करना चाहो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कहना चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। हाँ एक चीज़ और, अगर निंजा के साथ किसी बाइक का कंपैरिजन देखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या किसी और बाइक के साथ किसी और के साथ कंपैरिजन देखना हो तो वो भी बता सकते हो, अगर किसी बाइक का रिव्यू चाहिए तो वो भी बता सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जल्द से जल्द उस गाड़ी का रिव्यू मिल जाएगा आपको। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई प्यारी सी मशीन के साथ। एक चीज़ बताना मत भूलना, ब्यूटी और द बीस्ट क्या है ये मशीन। टिल देन बाय बाय गाइज़।